प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं ठीक है तो प्लांट के बहुत सारे वैरायटी भी होते हैं प्लांट के बहुत सारे वैरायटी होते हैं तो देखो बेटा दो तरह के प्लांट होते हैं एक फ्लावरिंग प्लांट एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट ठीक है तो जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको एनजियोस्फॉर्म बोला जाता है ठीक है जिसमें फ्लावर बनते हैं ठीक है बट से फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फ्लावर बनेंगे उनको एंजियोस्पर्म तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में क्या होगा अ फ्लावर लीफी जो फ्लावर बनता भी हो तो ये, ये डेवलप होता है ये लीफ का मोडिफिकेशन से फ्लावर बनता है फ्लावर इज अ लीफी सूट कंटेनिंग सेक्सुअल ऑर्गन एंड फ्लावरिंग प्लांट इट इज एडॉप्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से किसके लिए अडॉप्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इट मोडिफाइड टर्मिनल बर्ड एपिकल कंपोज ऑफ फोर सेट एंड मोडिफाई लीफ लीफ के मोडिफिकेशन से फ्लावर बनता है ठीक है टर्मिनल बर्ड पे जो लीफ होते हैं मॉडिफिकेशन से क्या बनाते हैं फ्लावर बनाते हैं और यही फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे पड़ते हैं या दूसरे प्लांट सेम के दूसरे प्लांट पे पड़ते हैं तो एक नया बेबी प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है तो देखते हैं फ्लावर्स आप बहुत सारे फ्लावर्स देखे हो जानते भी हो ठीक है तो कुछ फ्लावर्स में हम किसी एक फ्लावर की बात कर लेते हैं देखिए जो सबसे नीचे ये बेटा मिलेगा आपको

ओके okay. सेपल को अंदर साइंटिफिक नाम होता है कैलिक्स क्या नाम दिया जाता है कैलिक्स ओके okay. और जो कलरफुल पार्ट नाम है पेटल पेटल इज नोन एज कोरेला ओ आर ओ डबल एल ए कोरेला ठीक है और ये देखो एंथर है और यहाँ पे फिलामेंट है एंथर है ये एंथर हो गया ये फिलामेंट हो गया ये एंथर हो गया और सॉरी ये फिलामेंट हो गया और ये एंथर हो गया तो एंथर और फिलामेंट दोनों मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है एंथर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है और फिलामेंट इसको क्या करता है बेटा सपोर्ट देता है मतलब उसको अपराइट होने में हेल्प करता है जिसको एक नाम बोलते हैं स्टेमन स्टेम का साइंटिफिक नेम है एंड्रोसियम क्या बोल सकते हैं ए एन डी आर ओ सी आई यू एम एंड्रोसियम बोलते हैं दिस इज द एंड्रोसियम एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज अस्टिगमा स्टाइल एंड ओबरी जो मिलकर के क्या बनाता है कॉर्पल बनाता है कॉर्पल का साइंटिफिक नेम क्या कहलाएगा गायनोसियम कहलाएगा ठीक है तो इतने सभी देयर आर फोर आपको प्लांट के, समझ, फ्लावर के समझ में सबसे नीचे लीफ स्टॉक नहीं, नहीं होता है तो जिस फ्लावर सेसाइल फ्लावर, फ्लावर में लीफ स्टॉक नहीं मिलता है उसे सेसाइल और जिस फ्लावर में लीफ स्टॉक मिलता है उसे नॉन सेसाइल फ्लावर बोला जाता है ठीक है सेपल फर्स्ट इज अ कैलिक्स सेकेंड इज अ कोरेला एंड थर्ड इज एंड्रोसियम देयर आर फोर होरल्स ऑफ द प्लांट फ्लावर कितने होरल्स बेटा मिल रहे हैं आपको प्लांट फ्लावर में चार तरह के होरल्स देखने को मिल रहे हैं ठीक है ये फोर होरल्स जो मिल रहे हैं तो देखो पेटल देखो जो फंक्शन की अगर बात करें इनके काम की अगर बात करें तो पेटल्स में पेटल अटैक करता अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर पोलिनेशन के लिए जो पेटल है वो किसको अट्रैक्ट करता है बेटा देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ पेटल पीई टी एल पेटल जो है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट ठीक है और जो नेक्टर नेक्ट्री होता है नेक्टरी टू प्रोड्यूस नेक्टर ठीक है फॉर मतलब जो फूड क्यों आएगा वो नेक्टर प्रोड्यूस करेगा ठीक है प्रोड्यूस नेक्टर नेक्टर इज सुगरी सब्सटेंस विच फीड बाय इंसेक्ट ठीक है और यही हनी भी लेती है तो शहद बनाती है सेपल जो है टू प्रोटेक्ट द पेटल किसको प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्ट द पेटल ये पेटल को प्रोटेक्ट करता है स्टेमिन की अगर बात करें स्टेमिन को हम क्या बोलते हैं एस टी एम एन स्टेमन में आपने देखा एंथर मिल रहा है और फिलामेंट मिल रहा है और क्या मिल रहा है फिलामेंट मिल रहा है एंथर जो है ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा क्या प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन

कार्पल में स्टिग्मा आता है और क्या है सेकेंड पार्ट नेकलाइक स्टाइल ठीक है और थर्ड आप पढ़ोगे ओवरी ओवरी के अंदर क्या मिलेगा ओबियोल क्या मिलेगा ओबियोल स्टिकमा स्टाइल ओवरी ओबियोल ठीक है तो इनका क्या काम होता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी स्टाइल ओबियोल देखो स्टिग्मा जो है बेटा ये आपका टू रिसीव पोलन ग्रेन क्या बोलोगे टू रिसीव ये पोलन ग्रेन को रिसीव करता है टू रिसीव पोलेन ग्रेन पोलन ग्रेन स्टिग्मा स्टिग्मा रिसीव पोलन ग्रेन एंड स्टाइल जो है वो क्या करेगा ये होल्ड अप द स्टिग्मा ये स्टिग्मा को होल्ड करता है जैसे उसमें फिलामेंट होल्ड करता है अंतर को उसी तरह स्टाइल होल्ड करता है स्टिग्मा को ठीक है तो लिख सकते हो टू सपोर्ट द स्टिग्मा राइट right. जो है है बेटा ये कंटेन होता जो ओबरी वॉल होती है फ्यूज करके क्या बनाती है, बनाती है. और ओब्यूल फ्यूज uh, करके क्या बनाता है सीड बनाता है ठीक तो है, है. है, है तो फ्रूट जो बनते हैं ओबरी वॉल से बनते हैं फ्यूजन ऑफ ओबरी वॉल और जो सीड बनते हैं फ्यूजन ऑफ ओब्यूल ठीक है ओब्यूल के फ्यूजन से बनता है तो पार्ट ऑफ द फ्लावर आपने समझा जो क्या है द पार्ट ऑफ द फ्लावर आल अटैच टू इन लार्ज सेक्शन स्टॉक कॉल्ड रिसेप्टिकल देर आर फोर होरल कौन कौन से अभी मैंने सारे होरल्स के नाम बताए देखो कहाँ से स्टार्ट होगा सेपल से सेपल को क्या बोला जाएगा कैलिक्स पेटल को क्या बोलेंगे कोरेला स्टेमिन को क्या बोलेंगे एंड्रोसियम कार्पल को क्या बोलेंगे गायनोसियम तो दे आर आर फोर हेरल होरल्स ठीक है एंड क्या क्या बोल सकते हो कैलिक्स कोरेला एंड्रोसियम एंड गायनोसियम राइट right. अगर सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखना हो तो आप क्या बताओगे कैलिक्स के बारे में आप क्या एक्सप्लेन करोगे you know कैलिक्स डू यू नो डू यू है मेडअप ऑफ सेबरल ग्रीन क्या लिखोगे कैलिक्स यहां लिखना और इसके बारे में ये बता सकते हैं कि ये द कैलिक्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं ठीक है इसकी वजह से फोटोसेंसेंस भी कर सकते हैं और इसेंसियल पीरियड में फ्लावर को प्रोटेक्ट भी करते हैं तो कैलिक्स इज अप ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है जो सेपल कहलाते हैं क्या कहलाते हैं डेवलपिंग बर्ड जब uh, जब सी डेवलप हो रहा होगा ठीक है डी ई लवलपिंग बर्ड तो ये बर्ड को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है एंड इन सम के से ब्राइट कलर जो uh, जो सेपल होते हैं वो फोटो सेंथेसिस में भी

ब्राइट कलर होते हैं पेटल वेरी इनॉर्मस एंड टाइम एबसेंट डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज स्पीसीज के बेस पे ये अलग अलग होते हैं किसी में आप क्या देखोगे कि इसमें ज्वाइंट होगा किसी में आप क्या देखोगे अलग अलग होगा ठीक है सनफ्लावर को रोज को देख लो तो ये पेटल्स के शेप और थोड़े से अलग होते हैं तो इनमें कोई नहीं होता दिस इज अ अकेंड होरल ये सेकंड होरल के नाम से जाना जाएगा ठीक है ब्राइटली होता है पेटल पेटल लाइक का एंड सेपल ऑल टेकन द कोरेला सभी पेटल को हम क्या बोल देंगे कोरेला इस सभी ग्रुप को मिला करके क्या बोला जाएगा कोरेला पेटल यूजली स्कैंटेड ठीक है तो फंक्शन क्या होगा अटैक इसका क्या काम है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरेला पेटल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन एंड प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव आर्गन दो काम करता है पहला इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है तो क्या बोल सकते हो इट अट्रैक्ट द ए डबल टी आर ए सी टी अट्रैक्ट द इंसेक्ट इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट फर्स्ट वर्क एंड सेकेंड फंक्शन है बेटा इट प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोटेक्ट द फ्लावर right? तो इतने में कोरला आपका फिनिश हो जाता है इसके बाद थर्ड होरल मेन पार्ट जो देखो सेप्पल एंड पेटल ये इसेंशियल नहीं थे दे आर नॉट इसल जो कैलिक्स मैंने बताया और यह कोरेला इट इज ए नॉट इसल ये नॉन इसेंशियल फ्लावर के पार्ट हो गया फ्लावर पार्ट आपको क्या देखने को मिलेगा तो इसेंशियल फ्लावर पार्ट आपको देखने को ये मिलेगा कि जो जैसे कि एंड्रोसियम गल पार्ट ऑफ द फ्लावर ठीक है तो आपको मैं थर्ड uh, ओरल का नाम बता रहा हूं एंड्रोसियम वॉट इज द थर्ड ओरल एंड्रोसियम इज अ थर्ड ओरल ऑफ द फ्लावर ठीक है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको मेल ये याद रखें मेल टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ द फ्लावर इट इज अलोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर ठीक है मेडप ऑफ स्टेमन ठीक है एस टी एम ई एन एस स्टेमन स्टेमन में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं बेटा तो स्टेमन में आपको देखने को मिलेंगे आ, फिलामेंट एंड एंथर क्या देखने को मिलेगा पहला होगा फिलामेंट और सेकंड मिलेगा एंथर फिलामेंट क्या करता है एंथर को अटैच करता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एंथर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है ठीक है तो फिलामेंट एंड एंथर एट कंटेन सेवरल पोलन ग्रेन कौन पोलन ग्रेन से भरा पड़ा होगा एंथर पोलन ग्रेन ठीक है एंड फिलामेंट क्या करता है उसको होल्ड करके कर रखता है ठीक है पोलिन ग्रेन क्या होता है इट कंटेन मेल गैमेट्स उसमें न्यूक्लियस होंगे पोलिन ग्रेन क्या होंगे मेल गैमेट्स होगा जिसको येलो कलर का होगा और इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा जो फ्यूजन के समय हेल्प करेगा ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन पार्ट है फिर आता है फोर्थ होरल का नाम व्हाट इज द फोर्थ होरल गायनोसियम गायनो सीएम इज़ द फोर्थ होरल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज रिप्रोडक्टिव फ्लावर एंड इंटर मोस्ट होरल इट कंसिस्ट पिस्टल एंड कार्पल इसमें क्या मिलेंगे बेटा पिस्टल मिलेंगे ठीक है या कार्पल बोल सकते हो पिस्टल जो होते हैं तीन पार्ट होते हैं पहला है एंड्रोसी क्या मिलेगा स्टिकमा फिर आपको स्टाइल और थर्ड है आपका ओवरी तो अभी हमने बताया था स्टिग्मा क्या करता है पोलन ग्रेन को पोलिन कर लेता है स्टाइल स्टिग्मा को होल्ड करता है और ओबरी में पाए जाते हैं 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 वॉल होते है, जो फ्यूज करके सीड एंड फ्रूट्स बनाते ठीक है ठीके? तो आई होप ये चीजें आपको इतनी समझ में आई होगी राइट इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलिनेशन पोलिनेशन पोलेंगें क्या होता है आ, आप समझिएगा मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में स्टिग्मा एंथर uh, आ रहे हैं फिलामेंट आ रहे हैं फिलामेंट एंथर को uh, क्या कर रहा है होल्ड कर रहा है और आप फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो पिस्टल है पिस्टल में क्या क्या मिल रहा है आपको स्टिग्मा uh, मिल रहा है स्टाइल मिल रहा है ओबरी मिल रहा है ठीक है तो स्टिग्मा क्या कर रही है पोलन ग्रेन को अटैच कर रही है और पोलन ट्यूब के थ्रू वो भेज दे रही है कहा के पास भेज दे रही है में जाके क्या हो रहा है वॉल से फ्यूज करके फ्रूट बना रहा है और से फ्यूज करके क्या बना रहा है बेटा सीड बना रहा है इतना तो चीजें समझ में आ रही होंगी ठीक है तो देखो एंथर का फॉर्म इसमें पोलन ग्रेन आता है इसी प्रोसेस को बोलते हैं पोलन ग्रेन जो पोलन ग्रेन क्या काम करेगा वट ऑफ पोलन ग्रेन तो देखो पोलिनेशन क्या है तो आप बोल सकते हो वेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर क्या बोलोगे वेन पोल ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इस प्रोसेस को बोलते हैं pollination. और जब पोल ग्रेन स्टिग्मा से पोलेन ट्यूब के थ्रू होते हुए ओवरी में जाके फ्यूज करता, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ठीक है वो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा तो ग्रेन क्या हो गया पोलिनेशन पोलन ग्रेन तो एंथर ठीक है और जो पोलिनेशन है पोलिनेशन इज नोन एज पोलिनेशन तो देखो यहाँ पे हनी भी है नेक्टर लेने गई इसके पैर में पोलन ग्रेन स्टक हुआ और जब ये दूसरे फ्लावर पे मूव की तो पोलन ग्रेन हो गया ठीक है पोलिनेशन हो गया तो सेल्फ पोलिनेशन दो तरह के होते हैं एक एक देखो दो तरह का पोलिनेशन हो रहा है देयर आर टू टाइप ऑफ पोलिनेशन एक पहला हो गया सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा हो गया सेकंड क्रॉस पोलिनेशन देयर आर टू टाइप ऑफ पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है नेक्ट पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है अपने खुद के स्टिग्मा पे या तो खुद के प्लांट के स्टिग्मा uh, पे चला जाए या सेम फ्लावर हो सेम स्पीशीज हो तो वहां से ये कहां पहुंच जाए अपने क्रास अंदर फ्लावर पे सेम स्पीसीज पे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा क्रास पोलिनेशन तो देयर आर टू टाइप ऑफ पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रास पोलिनेशन क्या कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रास पोलिनेशन तो क्रास सेल्फ पोलिनेशन में आप क्या बताओगे सेल्फ पोलिनेशन ट्रांसफर फ्रॉम पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा ठीक है स्टेमेन या आप एंथर बोल लो द पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ओके

पोलिनेशन में क्या मिलेगा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा ठीक है तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर uh, का नाम लिया गया ठीक है इसमें आपको मैंने बताया कि फ्लावर्स के मेन uh, क्या क्या इसल पार्ट है क्या क्या इसल पार्ट नहीं है कौन कौन से फ्लावर के होरल्स होते हैं तो देयर आर फोर होरल्स पहला सेपल जिसको कैलिक्स बोलते हैं पेटल को कोरेला बोलते हैं और मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टेमन इज इस नोन एज एंडोसियम एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज नोन एज गायनोसियम तो देयर आर फोर ओलर कौन कौन से पेटल सेपल एंड स्टेमन एंड कार्पल इसका क्या नाम है बेटा एंडोसियम गायनोसियम ठीक है सॉरी कैलिक्स कोरे, कोरेला एंडोसियम एंड गायनोसियम हमने फंक्शन को भी यहाँ पे आपको सामने बताया कि पेटल जो है बेटा अटैच इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है सेपल जो है प्रोटेक्ट करता है बॉड को में फ्लावर के स्टेमन जो है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है ये एंथर और फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं एंथर पोलिन ग्रेन प्रोड्यूस करता है और फिलामेंट एंथर को सपोर्ट देता है इसी तरह कार्पल में देखा गया तो तीन पार्ट आएंगे स्टिग्मा स्टाइल ओबरी ओबरी के अंदर ओब्यूल्स मिलेगा स्टिग्मा रिसीव पोलन ग्रेन को रिसीव करता है स्टाइल क्या करता है सपोर्ट करता है स्टिग्मा को एंड ओबरी फ्रूट बनाता है ओब्यूल क्या है सीड बना देता है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको आई होप समझ में आए होंगी इसी तरह मैंने पोलिनेशन बताया पोलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रोसेस पोलिन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा जो अपने ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे जा रहा है तो भी सेल पोलिनेशन तो इसमें कंफ्यूजन होती है देखिए ये, ये सेल पोलिनेशन ये भी है इसी प्लांट से निकल के इसी प्लांट पर जा रहा है और इसी प्लांट के फ्लावर से सेम फ्लावर पे गया तो भी सेल पोलिनेशन और सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे गया तो भी सेल पोलिनेशन बस किस सिनेरियो में क्रॉस पोलेशन होगा जब उस फ्लावर के आ, ग्रेन हो जाए, सेम फ्लावर के दूसरे प्लांट गया होगा सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलिनेशन बाय इंसेक्ट मतलब पोलिन ग्रेन किस कौन कौन फैक्टर है जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं ठीक तो है तो इंसेक्ट है विंड है वाटर है इनके बारे में हम पढ़ेंगे एंड आर्टिफिशियल uh, पोलिनेशन क्या होता है एंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है इतने चीजें अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में फिनिश हो जाता है तो आई होप ये चीजें बहुत नॉलेजल रही आपके लेवल तक और मैंने बहुत ट्राई किया आपको समझाने की आई होप आप समझ भी गए होंगे तो अगर आपको कुछ डाउट हो इस चैप्टर्स में तो प्लीज एक्सप्लेन करें और कमेंट बॉक्स में लिखें ठीक है उसको सुधारा जाएगा और इम्प्रूव किया जाएगा तो आई होप आपको ये पसंद आया वीडियो लेक्चर सो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए वेट करें थैंक यू बाय